हेलो माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज क्या 3.3 का 4 नंबर क्लास 12 का। ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान दास बेस पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ए ट्रांसपोज या ए परिवर्त इक्वल टू या मैट्रिक्स दिया है एंड बी इक्वल टू या मैट्रिक्स दिया है, तो फाइंड क्या करना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालिए, उसका परिवर्त निकालिए, या क्या करना पूछ रहा है। तो हम इसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है, उसको लिखते देखिए, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज पहले से क्या पूछ रहा है, इसे का और क्या सिंप्लीफाई करिए थोड़ा। तो देखिए जब डैश होता है तो इसमें क्या हो जाता है, ए का डैश प्लस टू बी का डैश होगा ना, इसमें क्या कर लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस टू बी का ट्रांसपोज। और टू में क्यों रहा ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि टू क्या है, कांस्टेंट है, क्या जब कांस्टेंट में केवल जैसा रहता वैसे उतर आता है वैल्यू। चलिए अब इसका मान पूछ रहा है आपका, हमारे पास वैल्यू क्या, देखिए ए डैश दिया है, ए का ट्रांसपोज दिया है, अब बी का निकालना है, हम यहाँ निकाल सकते हैं, तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रो है उसे कॉलम में बना दीजिए, माइनस वन और जीरो क्या है, तो माइनस वन और उसे जीरो बना देते हैं, ठीक। चलिए वन और टू है, इसे हम क्या लिख दें, वन और टू लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए, देखिए ए डैश ए का ट्रांसपोज हो गया प्लस टू बी का, हमें केवल बी क्या है, टू बी चाहिए, तो टू बी के लिए क्या करना पड़ेगा, टू बी का ट्रांसपोज मतलब टू में क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टू बी का ट्रांसपोज क्या है, माइनस वन वन जीरो टू। इसे और सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कोई भी गुणांक बाहर रहता है तो मैट्रिक्स के सभी अवयव या सभी एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। चलिए अब क्या करते हैं, टू और माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, चलिए टू और वन का करेंगे तो टू आएगा, टू और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, टू और टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फोर आएगा। ओके नाउ अब क्या करते हैं, अब सीधा हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ए का है, चलिए ए ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस टू थ्री वन और टू है ना, प्लस टू बी डैश मतलब टू बी का ट्रांसपोज या परिवर्त क्या निकाले हम देखते हैं, माइनस टू टू जीरो फोर। ओके आप सीधा ऐड कर दीजिए, बीच में प्लस से ऐड करना आता ही है, ऐड करते हैं हम, क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस टू और माइनस टू ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, अब थ्री और टू ऐड करेंगे तो फाइव ऐड हो जाएगा, ठीक है, वन और जीरो ऐड करेंगे कितना जाएगा, वन आ जाएगा, टू और फोर करेंगे कितना जाएगा, सिक्स आ जाएगा, या आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, ए प्लस मतलब ए प्लस टू बी का डैश का, यह आपका क्या गया आंसर। ओके माय डियर, हेलो माय डियर, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाले 3.3 का क्वेश्चन नंबर क्या 3.5 नंबर, ठीक है, क्लास 12 का। ओके जय हिंद दोस्तों, मैं रविनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान दास बेस पैसा में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइव नंबर, ए इक्वल टू या मैट्रिक्स दिया है एंड बी इक्वल टू या मैट्रिक्स दिया है, तो आपको प्रूफ दैट करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज या परिवर्त इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होता है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम सीधा वैल्यू यहाँ जो सिद्ध करना है उसी को हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को रख देते हैं। चलिए वैल्यू का ए का मान कितना है, देखिए वन माइनस फोर थ्री, ठीक, इंटू बी, बी का मान क्या, माइनस वन टू वन। ओके पूरा क्या करना है, ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, बी का, बी का ट्रांसपोज कितना है, हम यहाँ लिखे नहीं लिख दिए, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, तो माइनस वन टू वन। ओके या हो गया। ओके चलिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का, देखिए ए का यहाँ भी हम लिख सकते हैं ना, ए का ट्रांसपोज कितना, वन माइनस फोर थ्री। ओके या हो गया, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज या मैट्रिक्स लिख दिए। ओके अब देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस है मतलब तीन रो है, एक क्या है कॉलम है, सेकंड क्या है वन क्रॉस थ्री, एक रो है तीन क्या है कॉलम है, हमेशा मल्टीप्लाई कब होता है, कब पॉसिबल होता है, जब क्या होता है, देखिए
जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल रहे तभी बराबर मल्टीप्लाई हो सकता है, तभी पॉसिबल है मल्टीप्लाई का व्हेन फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो इज इक्वल देन मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। ओके चलिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, वन का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस वन। ओके अब वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे कितना आ जाएगा टू आ गया। ओके अब वन का वन में करेंगे कितना आ गया वन। अब सेकंड क्या करते हैं, अब सेकंड रो उठाते हैं, सेकंड रो उठाएंगे किसमें करेंगे इन सभी में करेंगे। माइनस फोर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा। अब माइनस फोर का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एट आ गया। माइनस फोर का मल्टीप्लाई वन में कितना माइनस फोर। इसी प्रकार तीन करेंगे थ्री वन जा माइनस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। अब पूरे का क्या निकालना है ट्रांसपोज या परिवर्त इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक देखिए माइनस वन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे वन में करेंगे कितना जाएगा वन आ जाएगा। माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा। वन का थ्री जा थ्री, टू वन जा टू, टू फोर जा माइनस एट, टू थ्री जा सिक्स, वन वन जा वन, वन फोर जा माइनस फोर, वन थ्री जा थ्री। ये आपका क्या आ गया इतना आ गया। अब हमें इसे ट्रांसपोज करना है। ठीक ट्रांसपोज कैसे करेंगे यह चलिए हम लिख देते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा बस यही होगा। ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसे हम कॉलम बना देते हैं, माइनस वन टू वन है ना इसे हम क्या कर देते हैं कॉलम बना देंगे। क्या जाएगा माइनस वन टू वन। अब फोर एट माइनस फोर कर लिख सकते हैं फोर माइनस एट फोर। ओके चलिए माइनस थ्री सिक्स थ्री, यह आपका ट्रांसपोज हो गया इक्वल टू क्या दिया है वन टू वन फोर माइनस एट माइनस फोर थ्री सिक्स थ्री। अब मिलाइए दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट बराबर है या नहीं, आइए देखिए देखते हैं। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या है देखिए माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन आएगा, वन का फोर में करेंगे माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर आ जाएगा। माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे कितना जाएगा माइनस वन और थ्री जा माइनस थ्री। ठीक है टू का मल्टीप्लाई टू में टू फोर जा माइनस एट, टू थ्री जा सिक्स, वन वन जा वन, वन फोर जा माइनस फोर, वन थ्री जा थ्री। ठीक जब इतना आ गया तो इसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर दिए, तो आपका मैट्रिक्स क्या गया माइनस वन टू वन है क्या आ गया वन टू वन आ गया। फोर माइनस एट फोर है क्या आ गया फोर माइनस एट फोर आ गया। माइनस थ्री सिक्स थ्री माइनस थ्री सिक्स थ्री। ओके ओके अब इसे क्या वन फोर थ्री, अब देखिए बराबर है या नहीं, यहाँ माइनस थ्री है यहाँ भी क्या आएगा माइनस थ्री आ जाएगा। इस प्रकार पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल है। क्या करना है कोई भी मैट्रिक्स दिया जैसे ए दिया पहले उसको ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा वन माइनस फोर थ्री। ठीक सेकेंड मैट्रिक्स माइनस वन टू ए है इसका ट्रांसपोज माइनस वन टू वन हो जाएगा। ओके क्या कह रहा है इसका सीधा सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए इंटू ए का ट्रांस पोज करना है ना, सीधा वैल्यू रखते ए इंटू बी, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आंसर है उसका ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए सीधा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके इस प्रकार यह क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे, ए बराबर इतना दिया है बी इक्वल टू इतना दिया है, हमें कुछ नहीं करना इसी वैल्यू पुट अप कर देना है उसके बाद आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा सिद्ध हो जाएगा। ओके माय डियर।